नमस्कार। श्लोक क्रमांक 13 अध्याय 4। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमौ व्ययम्। हिंदी भावार्थ श्लोक क्रमांक 13। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंधित कर्म के अनुसार मेरे द्वारा समाज के चार वर्णों की समाज रचना की गई है। मैं इस व्यवस्था का सृष्टा होने के बावजूद अकर्ता और अविनाशी हूं, ऐसा मानो। श्लोक क्रमांक 14। नमां कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्प्रहा इति मां यो भिजानाति कर्मभिर्न समध्यते। श्लोक क्रमांक 14 हिंदी भावार्थ। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही कर्मों के फल की मेरी कामना है। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता है। श्लोक क्रमांक 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। हिंदी भावार्थ। प्राचीन काल में सभी मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम भी पूर्वजों द्वारा सदैव किए जाने वाले नियत कर्मों को ही करो। श्लोक क्रमांक 16। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भावार्थ। श्लोक क्रमांक 16। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुम्हें वह कर्म तत्व भली भांति समझा कर बताऊंगा, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे।